एक बैटरी में कितना 400-500 का प्रॉफिट होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम्हारा भाई हो चुका है नहा धो के ऑल सेट, और आज हम जा रहे हैं किसी एक अपने पर्सनल मैटर के लिए। क्या कहती हूँ मम्मी, कहाँ जा रहे हैं? नहीं बताओगे? अभी नहीं बताएंगे। और जो अपने हैं उनको तो पता होगा कहाँ जा रहा हूँ, और जो YouTube से मुझे जानते हैं मैं उनको कुछ दिन में बता दूंगा कि मैं आज कहाँ गया था और कहाँ जा रहा हूँ, उस दिन मैं बताऊँगा। चलिए, गुड न्यूज़ है, ठीक है। अब देखते हैं आज होता क्या है। पहला इम्तिहान है। क्या कह रही हो? पहला इम्तिहान है आज के। आज का जो एग्ज़ाम है लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और हार्ड एग्ज़ाम है। देखते हैं कितना स्कोर करते हैं आज हम। चलो चल रहे हैं अम्मी। अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम जा रहे हैं, पहला तो काम है गाड़ी पे से कवर उतारेंगे, कवर उतार के उसको साफ करना। उसको तंग आ गया यार, कहाँ चली गई छुटिया, जल्दी घर आ जा भाई। वो नहीं है, अब पता चल रहा है कितने काम बाकी रहते हैं, कितने काम वो करती थी। गाड़ी पे से पहले उतारो कवर। तो मैं निकल चुका हूँ अपने काम के लिए, और अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं भैया का इंतज़ार कर रहा हूँ। भैया मेरे साथ जा रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। जो अंदर से धक धक सा हो रही है, एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है, चलते हैं वहाँ फिर बताते हैं क्या। तो आ चुका हूँ मैं घर, ठीक। भाई तुम्हारे भाई में इतना कॉन्फिडेंस है ना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज पता नहीं कहाँ चला गया था भाई यार, मेरी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी भाई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लद्दाख में ऑफ रोडिंग करने की, ठीक है। हमारे गांव के रोड ऐसे हैं कि हमें ऑफ रोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की, यही हो जाता है भाई। लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है, ले में ऐसा लग रहा गाड़ी चला रहे हैं, पर हमारी ब्रेजर जो है 4x4 हो चुकी है भैया, कहीं भी चढ़ा दीजिए, ऐसे तो रोड है हमारे यहाँ के। और हाँ, गुड इवनिंग भाइयों, मैं भाई वहाँ एग्ज़ाम दे के जो आया हूँ उसके बाद ऐसा मेरे को अंदर से ऐसा धक धक सा हो रहा था कि उसके बाद जब घर आया बड़ा रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के बाद मैं सो गया भाई, बिना चेंज वेंज किए सोया। और अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी छुट्टियाँ को लेने, क्योंकि भाई वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कितने काम करने पड़ रहे हैं भाई, कितने भाई। अब उसके वेकेशन ख़त्म कर रहे हैं, अभी कॉलेज खुले नहीं लेकिन फिर भी उसके वेकेशन ख़त्म कर रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ आज उसको लेने। तो मैं जो सो के उठा हूँ, इतना ज़्यादा बॉडी पेन था, तो अब मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। हाँ, ट्रिप देखिए कहाँ की बनती है। अब मैं जो हूँ अपने हमेशा से, अब आज से नहीं काफ़ी समय से, मुझे कहा जाता है कि मैं ही कोई भी अगर प्लान अगर होता है कहीं का तो मैं ही उसको बिगाड़ता हूँ, मैं ही उसको कैंसिल करता हूँ। तो अब देखना है कि कल का जो भी हम लोग का प्लान है वो, उसमें 70% चांस है कि वो मेरे वजह से ही कल का कैंसिल होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कल का जो कैंसिल होगा वो मेरी ही वजह से होगा, 70% चांस है, अगर मैंने चाहा तो। अब देखता हूँ कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कल का प्लान हमारा बन जाए, लेकिन फिर भी कई चीज़ें होती हैं। अब अकेला इंसान कितना अच्छा, तुम्हारे बाबूजी की दुकान पे कितना प्रॉफिट हो जाता है? एक बैटरी में कितना 400-500 का प्रॉफिट होता है? एक बैटरी में 400-500 का? अरे तो यार वही 400-500 वाला आदमी, वो क्या कहते हैं, चार चार घर बनवा रहे हैं एक ही बार में, वो भी लखनऊ में। आपके बाबूजी का कितना दिन भर में प्रॉफिट होता है? वैक्सीन 200 रहता है, 200 बढ़ा देते हैं। अच्छा, वैक्सीन देख लो 80 रुपए का वैक्सीन है, उसमें 200 रुपए बढ़ा कर देंगे तो 80 रुपए तो बिकता है। बताओ कितने का मिलता है कम? अबे 80 रुपए का बिकता है वैक्सीन, तुम कह रहे हो 300 बढ़ा लेते हैं। अच्छा अच्छा, आपके बाबूजी एक वैक्सीन को 400 में बेचते हैं।
80 रुपए मार भी 400 रुपए में। 500 रुपए का वैक्सीन दिया था। अच्छा आप भी वैक्सीन वैक्सीन बेचती हैं क्या? पहले फ्रीज घर पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तरक्की कर दिया, फ्रीज अब दुकान भी पहुंच गई है। अरे स्टूडेंट चेंज हो गया, देखिए मन्नत की टीचर, ये है मन्नत की कॉपी, लेकिन मन्नत नहीं है। मजा आ जाएगा। तो आ चुके हैं इन लोग के पास, इन लोग के बिना बहुत बेकार लग रहा था। सबसे ज्यादा हेयर बैंड कहाँ है सर आपका? बाल में नहीं है। इधर देखें, इधर देखें, कुछ नहीं है। इधर देखें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सर आगे आ जा रहा है। देशी मसाला, जीजू। अरे मैं अभी इतने फ्रेश नहीं हूँ। जीजू आप पे एक ब्लेम लगा है। मैं नहाने जा रहा हूँ। जीजू आप पे एक ब्लेम लगा है। फ्रेश नहीं हूँ। जीजू एक ब्लेम लगा है कि आप जो वैक्सीन है वो 80 रुपए MRP रहता है और 200 आप बढ़ा के बेचते हैं, वो आदिल बोला है। तो सही बात है क्या? लेकिन उसके उसके पापा की दुकान में सिर्फ 400 का मुनाफा होता है, एक बैटरी 400 का, और उनका 4 जगह घर बन रहा है और आपका एक ही जगह बन रहा है। डेली बिकता है मेरा, हफ्ते में एक वो बिक जाएगा। चाचू का डेली बिकता है, हफ्ते में एक बिकता है। सही बात है। तब भी दुबई में मैं क्या ना चौनी अतनी जोड़ के मैं खड़ा करता हूं। हां 100 सोनार की एक लोहार की सुने ना। हां लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा था, अभी बोल रहा था कि जो चाचू हैं, चाचू पास पैसा बहुत है, कमाते बहुत है, लेकिन सब खर्च कर देते हैं। सही बात। हाँ उसके पापा सेविंग किए हैं तो 4 जगह घर बनवा रहे हैं लखनऊ में। अच्छा बैटरी में पानी रहता है कि सोने का पानी रहता है? बहता हमको तो लग रहा है सोने का पानी। कौन सी गाड़ी? स्पेलिंग बता। क्या 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 फिर से? और किस कंपनी? स्पेलिंग मत पूछो नहीं तो नैनो फेवरेट हो जाएगी। डस्टन गो नहीं बोलना, बोला टाटा नैनो, टाटा टीएटी। तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट साइकिल CY CLV। तुम्हारी फेवरेट? तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? आप कौन सी फेवरेट हो? किया सेल्टोस। किया सेल्टोस स्पेलिंग तो मालूम नहीं है, बस हमको बैठना है। आपकी फेवरेट? मर्सिडीज। कब ले रहे हैं? चलिए इंशाल्लाह का मेरी यूट्यूब की कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपके मर्सिडीज में मैं 50% शेयर दे दूंगा। और पता है मेरी वजह से कल वो मेरे को वो कल मेरे पास क्या कहते हैं ये माजा वालों लोग का क्या कहते हैं कल मेल आया कि आपने हमारे कुछ परसेंट शेयर गिरा दिए हैं, भाई पी लो माजा का आम पन्ना मत पीना, लेकिन माजा का नॉर्मल वाला आम पी लो, आम पन्ना मत पीना। अभी भी मैं कहूँगा अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं था। सब्जी बना रहे थे वो तो आम पन्ना गलती से बन गया। नाश्ता सुबह के लिए लाया है कि अभी के लिए लाया है? दिखाइए आपका चैलेंज बहुत वायरल हुआ है। आज कौन सा चैलेंज करेंगे? रोल द बटन। ये हूँ मैं, ये अदनान भाई। ज्यादा फिट हो गए हैं सर आप पहले से। ये है मन्नत। मन्नत ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बढ़िया है। तेरा क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ भोजन मन किस किसी लड़के है इनविटेशन देने आएगी। किस लिए? भोजन नहीं करा क्या? चलो भाई कौन सी मूवी है? हैं कौन सी है?
भैया अंग्रेजी में कोई नाम है इनका, ये वहाँ से सपना देखते हैं और सपना देख के हकीकत बताते हैं, अगले दिन वही हो जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं आज रात का प्रोग्राम यही है, अब ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट। और भैया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग।